हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पवन आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लिए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो जो हमें क्वेश्चन सेंड किए गए हैं वो है, उनके अनुसार है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग 50 टर्न्स। तो जो आपको एम दिया है वो कितना दिया है? 50। आगे इनक्लोज एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। तो जो आपको ए दिया है वो क्या दिया है? 0.5 मीटर स्क्वायर। आगे इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। यानी कि जो आपको बी दिया है वो क्या दिया है? 2×10⁻²⁺ वेव पर मीटर स्क्वायर। तो हाउ मच आपको फाइंड करना है, हाउ मच फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल इज। तो पहला केस है कि जब आपका जो आपकी जो कॉइल है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि वह परपेंडिकुलर रखी हुई है, परपेंडिकुलर लंबवत रखी हुई है, तो क्या होगा? तो केस फर्स्ट, अगर वह थीटा इज इक्वल टू 90 पर है तो आपका फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी क्या है आपका? बी है आपका 2×10⁻²। ए क्या है आपका? 0.5 और थीटा क्या दिया है आपको? 90, यानी कि कॉस 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आपका phi कितना निकला? 0। सेकंड केस है, केस नंबर सेकंड है आपका कि अगर आपकी जो कॉइल है यदि वह मैग्नेटिक फील्ड में यदि वह पैरेलल लगी हो यानी कि समांतर लगी हो तो क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो लगाएंगे phi इज इक्वल टू बी ए cos थीटा इज इक्वल टू, तो बी क्या है आपका? 2×10⁻²×0.5 एंड जो आपको cos 0 दिया है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 2×10⁻²×0.5×1। तो जब आप 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1×10⁻²² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा वेव, क्या हो जाएगा आपका? 1×10⁻²² हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है The magnetic flux passing through a coil via 50 turns, यानी कि n क्या है आपका? 50, n is equal to दिया आपको 50, increase by 20 wavelengths, यानी कि delta phi दिया है आपको 20 wavelengths दिया है in 2 seconds, यानी कि delta t क्या दिया आपको? 2 seconds दिया है। तो ये दिया आपको 2 seconds, तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो होता है मोड ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ये होता है। तो आपको बता दूं कि आपकी बुक में इस फॉर्मूले में माइनस नहीं दिया होगा, क्योंकि ये माइनस क्या होता है? सिर्फ शो करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को। किसको शो करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो आप इधर से माइनस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, रख दीजिए वैल्यू, पुट कर दीजिए 50, डेल फाई कितना है 20 और डेल टी क्या है 2 सेकंड। 2 से 20 को काट दीजिए 10 टाइम्स, तो आपका मोड ई कितना निकलेगा? 500 निकलेगा। कितना निकलेगा? 500। और इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ये होता है आपका मात्रक। तो ये है आपका 22 का आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।